हेलो भाई, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको शुक्र 11वें भाव फल बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो क्या किस प्रकार के फलित होंगे, शास्त्रीय क्या मत है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन है कि मेरा शुक्र का पहले भाव फल का मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है और शुक्र से रिलेटेड बातें बहुत सारी उसमें कही है। यदि आप शुक्र के विषय में जानना चाहते हैं तो वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। शुक्र के पहले भाव फल मेरे चैनल में आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ। आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है, ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीमान के एन राव साहब का ये कहना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक्चुअल ज्योतिष बनी है लोगों को मदद करने के लिए, इसीलिए मैं ये इस तरीके की बात बार बार दोहराता हूँ। यदि ज्योतिष लोगों की मदद के लिए है तो मदद ही करना है। ज्योतिष लोगों से लूट के पैसे कमाने के लिए नहीं बनी। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम है और ज्योतिषियों को करना चाहिए, है ना। ज्योतिषियों को भी काम करना चाहिए, धंधा नहीं है ये कोई। तो ये बता दूं, आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। पारसर मुनि ने तो होरा शास्त्र में ग्रह शांति अध्याय जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ईश्वरी देखो, रामचरित मानस में लिखा कि नाम आधारा भैया, इस कलयुग में तो ईश्वर के नाम भी कोई ले लेता तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, जीवन में सुख मिलता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पंचाट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको स्वयं भी सावधान रहना चाहिए कि आपको कोई ना लूटे। आपकी जिम्मेदारी कि आपको कोई लूट रहा है तो आपकी गलती है, आप लूट रहे हो। शुक्र 11वां भाव फल, भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है 7697871256, इसमें संपर्क कर सकते हो कुंडली विश्लेषण को लेकर। नॉमिनल फीस 11वां भाव शुक्र के फल, कथन शास्त्रीय और प्रसिद्ध ज्योतिषियों का मत। मदन, काम पर शुक्र का अधिकार है। भृगुवीर प्रदायक, पारसर मुनि कहते हैं ये भृगुवीर प्रदायक होता है। और शुक्र, सारावली में लिखा कि शुक्र सुख का कारक होता है, ये शुक्र के कारकत्व है, जो रोक के देख सकते हैं। हाँ, 11वें भाव के कारक, 11वें भाव के कारक ये है कि ये शुक्र यदि 11वें भाव में बैठेगा तो इसके कारकत्व जरूर देख लेंगे। 11वें आय तथा आमदनी, बड़ा भाई बहन, विद्या में सफलता, विशिष्ट पद, सरलता से अधिक लाभ होना, बाया कान, वैवाहिक संबंध, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, नव पुरस्कार, सभी प्रकार की विशेष प्राप्तियां, उपाधियां, अपने मित्र भी यहाँ ही देखते हैं और अपनों से बड़े लोगों को, सम्मानी लोगों को यहीं से देखा जाता है। मित्र, बड़ा भाई सब यहीं से देखा जाता है। और समस्त प्रकार की जीवन की जो प्राप्तियाँ होती है वो 11वें भाव से हमको प्राप्तियाँ होती, आय आमदनी बड़ा भाई ना, तो समस्त प्राप्तियाँ हमको इससे होती। 11वां बड़ा इंपॉर्टेंट है और 11वां भाव ऐसा होता है जो जनरली सम माना, चाहे उच्च भाव है, ऋषि पारसर ने इसको शुभ नहीं माना, उच्च है करके वृद्धिकारक है, लेकिन ये माना जाता है कि जो भी ग्रह 11वें भाव में बैठते हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, ऐसी बात है, क्योंकि वो पंचम दृष्टि भी होती है तो पंचम भाव भी शुभ। ये शुक्र के कार्यकर्ता है, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। वृषभ और तुला जो है काल पुरुष की, वृषभ मुंह का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर ये ओंठ का, ओंठ दांत का, और तुला जो है नाभि का प्रतिनिधित्व करती है। ये राशि यदि पीड़ित होती है तो कभी कभी इससे संबंधित रोग भी होते हैं, ऐसा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात आई है। शुक्र जो काल पुरुष के दूसरे धन भाव का, कुटुंब भाव का स्वामी रखते हैं वृषभ में, और दूसरा सातवां भाव है परिवार, कलत्र, पत्नी का भाव कहलाता है, ठीक है। ये जनरली शुक्र महाराज सातवें भाव का यहाँ कारकत्व रखते हैं, स्थायी कारकत्व। यदि शुक्र पीड़ित होता है तो हमारा वैवाहिक जीवन में तकलीफ होती है, जीवन की लग्जरी हमको नहीं मिल पाती है, सुख संसाधनों में कमी होती है, ऐसा जानना। शुक्र यदि यहाँ बैठेंगे ये 11वां भाव तो यहाँ से दृष्टि देंगे वो पंचम भाव, ठीक है। शुक्र यदि बहुत पीड़ित होगा तो हमको संतान प्राप्ति में भी विलम्ब हो सकता है। वीर कारक तो हैं ही वो, ठीक है, खासकर पुरुषों के लिए, और जो है पुत्रों को भी, पुत्र सुख में भी कमी हो सकती है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तेजी से फटाफट। चमत्कार चिंतामणि में कहा है कि 11वां शुक्र धन लाभ, गुणवान, अच्छे स्वभाव का, कीर्ति युक्त, सत्य भाषण करने वाला, सर्वविध भोग करने वाला, ऐश्वर्यवान। जीवनाथ महाराज कहते हैं सुशील, सभा में वचन चातुरी, पूर्ण धनवान अर्थात राजा के समान होता है, शत्रु इससे भयभीत होते हैं। देखिए एक बात, 10वें में भी बात आई थी, सभा में वचन चातुरी, मतलब शुक्र का ये कारकत्व है कि बोलने में कोई यदि एक्सपर्ट होता है उसके लिए शुक्र का जरूर देखा जाएगा। सुशील, सभा में वचन चातुरी, पूर्ण धनवान अर्थात राजा के समान होता है, शत्रु इससे भयभीत होते हैं। वरामीर साहब कहते हैं एकादशम सलाभा, मतलब जो एकादश भाव में शुक्र हो लाभ करवाता है। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं सुखी परिस्त्री
प्रति लोलुप प्रवासी और धनवान होता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं शुक्र करोति सुगुण धनात्म धनाप्तिम गुणवान और धनी होगा। गर्ग महाराज कहते हैं जतक रत्न रूपा उत्तम स्त्री तथा रत्नों से युक्त होता है, इसके शरीर निरोग होते हैं, दुख नहीं होता है, धन संपन्न नौकरों से युक्त होता है। सब पॉजिटिव बताया। मंत्रेश्वर महाराज ने बोला जातक धनी सुखी और परांगना में आसक्त होता है। अभी शुक्र का तो महिला का तो कारक ही है भाई, शुक्र है ना। जयदेव धनी बुद्धिमान तथा नृत्य गीत का विशेषज्ञ होता है। काशीनाथ महाराज कहते हैं नरश्रेष्ठ यशस्वी गुणी धनी भोगी सदा लाभयुक्त और सदाचारी होता है। मानसागर कहते हैं उत्तम गुणों से युक्त अग्नि पूजक अग्निहोत्री कामदेव के समान सुंदर तथा काम कमनीय शरीर वाला सुखी हास्यप्रिय तथा आकर्षक शरीर वाला होता है। सब बढ़िया बताया भैया। कल्याण वर्मा साहब कहते हैं दास एवं भ्रत इसकी आज्ञा मानते हैं। बड़ा इसका सोशल स्टेटस हाईफाई होगा भाई। लाभ होता है शोक रहित, इसका इस वेश्याओं से संबंध से घूमने फिरने के व्यवसाय से मोती चांदी आदि के व्यापार से काफ़ी धन लाभ मिलता है। इसका ये कहना कल्याण वर्मा साहब ऐसे व्यक्ति का वेश्याओं से संबंध होता है, या आज की डेट में मान लो ऐसी महिलाओं से संबंध होता है जो थोड़ा सा कैरेक्टर के मामले में 1900 ऐसा कुछ जान लो आप। इमारतें बनवाने से धन लाभ होता है भैया, देखो बिल्डिंग का ठेकेदार हो सकता है, भवनों का ठेकेदार, निर्माण कार्य का करवाता होगा। वृद्धिवन जातक रुचि गायन विद्या नृत्य आदि कलाओं में होती है, प्रतिदिन धनागम होता है अर्थात धन वृद्धि प्रतिदिन होती है, आचरण धार्मिक और स्वास्थ्य अनुकूल होता है। सब शुभ बताया है कि इस व्यक्ति की रुचि गायन विद्या नृत्य आदि। शुक्र तो इसका कारक ही है भैया, नाच का, गाने का, कविता का, सब ऐश्वर्य आराम का, कलाओं का। टुंडीराज महाराज संगीत नृत्य का आदर करने वाला होता है, मानसिक चिंता होती, सत्कर्म करने वाला होता, मन धर्म में लगा रहता है। जागेश्वर महाराज कहते हैं नृत्य नाचने गाना घर में होता है धन लाभ, सत्कर्म करने वाला ज्ञानवान धार्मिक ईश्वर भक्त होता है। हरिवंश महाराज कहते हैं सुख विपुल मात्रा में धन वाहन आदि कुटुंब सौभाग्य भोग भूषण आदि भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसे राजा से लाभ होता है। भृगुसूत्र कहते हैं विद्वान बहु धनवान भूमि लाभवान दयावान होता है, कांतिवान वाहन घोड़ा हाथी सुखी। खेट कोतकम कहते हैं अपने समाज का सरदार, जनता में प्रिय, धनी, सीलवान, दूसरों का लिहाज करने वाला, मददगार, जनप्रिय नेता, जनप्रिय होता है। देखो अपने समाज का सरदार तो आज की डेट में हम उसको कोई जनप्रतिनिधि भी मान सकते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो गांव में रिस्पेक्ट होती है। डॉक्टर रामन प्रभावशाली विद्वान संपन्न अच्छे वाहनों का स्वामी सफल और लोकप्रिय होगा, इसके बहुत से मित्र होते हैं। तो ये भैया 11वां जो शुक्र है इसकी बात आई, ठीक है। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपका वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, और ये जो डायलॉग मैं बोलता हूँ आखिरी में है ना, क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, फलाना ढिकाना, धन्यवाद। हरे कृष्ण।